इस बार के बजट में क्या है खास? क्या फिर से वित्त मंत्री ने वही पुराना राग अलापा है, या फिर इस बार कुछ नया करेगी सरकार? आखिर विपक्ष इस बजट से इतना क्यों है नाराज? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अब संक्षेप में बजट के बारे में भी समझ लेते हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की है कि मोदी सरकार की पांचवी नई योजना के तहत 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की इंटर्नशिप योजना से 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा, साथ ही हर महीने 5,000 रुपए का इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा किसान के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्टर पर लगाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। साथ ही पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर कराने वाले लोगों को 15,000 रुपए की नगद 3 किस्तों में मिलेगी। एजुकेशन लोन के तहत जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर लाया जाएगा जो हर साल 1 लाख छात्रों को मिलेगा। ये तो रहा संक्षेप में सरकार का बजट। अब आपको बताते हैं कि बजट पास करते ही विपक्ष के तमाम नेताओं का बजट पर क्या प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बजट के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे कुर्सी बचाओ बजट बताया है। उन्होंने कहा, बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई है, जबकि अन्य राज्यों की कीमत पर उसने खोखले वादे किए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बजट के जरिए मित्रों को खुश किया गया है। इस बजट में अडानी अंबानी का फायदा है, लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने तीसरा पॉइंट कॉपी और पेस्ट बताया। उनका कहना है कि ये बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट का कॉपी और पेस्ट है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा, जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है? इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए। अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन यूपी जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ किसानों के लिए बजट में कुछ है? इसके अलावा बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकलची बजट। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि एनडीए बची रहे। ये देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ का बजट है। वही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय बजट पर कहा, यह एक निराशाजनक बजट है। मुझे आम लोगों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। आम लोगों की आय में सुधार के लिए उठाए गए किसी भी कदम का अपर्याप्त उल्लेख था। जब बात गंभीर आय असमानता की आती है तो सरकार की ओर से हमें बहुत कम देखने को मिलता है। बजट पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, यह कुर्सी बचाओ का बजट है जो एनडीए में है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने के लिए यह बजट है। यह बजट देश के लिए नहीं है, बंगाल के लिए तो कुछ भी नहीं है। वे बंगाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए बीजेपी का बंगाल से सफाया होगा। साथ ही केंद्रीय बजट 2024 पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, केंद्र को यह बजट कागजों पर तो ठीक लगता होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार को फसलों की कीमत देनी चाहिए, मुफ्त बिजली, सस्ती खाद देनी चाहिए, खेती के उपकरणों पर GST कम करना चाहिए। अब इस बजट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।